गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। इन दिस लेक्चर मूविंग अहेड विद डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वी विल बी कंसंट्रेटिंग इन व्हीकल मूविंग ऑन अ लेवल कर्व्ड रोड। मीन जब आप सीधे जा रहे हो किसी रोड के ऊपर और आपने एकदम से टर्न ले लिया, मतलब मोशन, योर मोशन when you are taking that turn, the motion of the vehicle when you are taking a turn around a curved or circular path. It's okay, let's go into details of that. This is a curved path with radius r. That's okay. Let iske upar ek body of mass m is moving. Body of mass m is moving, taking a turn like this. Suppose this is a car or jeep, whatever, of mass m. Iska mass is m. Body of mass m. Let a body of mass m is going around on curved path of radius r. It's okay. Now, what all forces will be acting on this particular body? It's okay? देखो बेटा, center of mass के ऊपर सबसे पहला force जो लगेगा vertically down, that will be weight of the body, mg. It's okay? Now, in response to mg as the action, we will be having a रिएक्शन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। अब ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कहां पे हैं? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, बेसिकली कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं ये जो टायर्स है ना, ओके, टचिंग द ग्राउंड, इसके रिस्पॉन्स में, एमजी के रिस्पॉन्स में यहां से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा ए लाइक दिस, आर वन फ्रॉम फर्स्ट व्हील, आर टू फ्रॉम द सेकेंड व्हील, एंड आप इसको एज अ होल सेंटर ऑफ मास के ऊपर प्लेस कर सकते हो बाय सेइंग दैट कि टोटल नॉर्मल रिएक्शन इज आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू। इट्स ओके, यहां तक क्लियर है? आफ्टर दैट दिस बॉडी इज मूविंग अराउंड सर्कुलर पाथ, मूविंग अराउंड कर्व्ड पाथ। As any object moves around circular or curved path, in our previous lecture I told you this thing, okay, a force acts on the body due to movement on circular path in radially outward direction. This force radially outward, what we said, centrifugal force. Centrifugal force will act on the center of mass in radially outward direction parallel to horizontal. It's okay. Now ye centrifugal force kya karega, is object ko radially outward bahar ki taraf pull karega. So as this will be pulling इट आउटवर्ड, तो इसके ऊपर ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, ओके, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लगेगा या नहीं? रेडियली इन, रेडियली इन, ऐसे यहां पे फर्स्ट व्हील के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा सबसे पहले तो ये बताओ। दिस इज ट्राइंग टू पुल, ये बाहर की तरफ स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसको किसने रोका हुआ है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फर्स्ट व्हील। सेकेंड के ऊपर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द सेकेंड व्हील। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके, विल बी डिपेंडिंग ऑन नॉर्मल रिएक्शन। नाउ फॉर द सेफ टर्न इफ वी आर टॉकिंग, मीन सेफ टर्न मीन ये गाड़ी टर्न ले रही है प्रॉपर वेलोसिटी के साथ एंड गोइंग 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 गोइंग। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि हमने वेलोसिटी इतना बढ़ा दिया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना इंप्रूव हो गया, इतना इंक्रीज हो गया
जैसे देखो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, बिकॉज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल इंक्रीज, एज द वेलोसिटी विल इंक्रीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल इंक्रीज. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल इंक्रीज, इन टर्न फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेडियली इनवर्ट दैट विल इंक्रीज. वेलोसिटी और बढ़ाया, एम वी स्क्वायर बाय आर और बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बढ़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैंसिल करने के लिए फॉर द सेफ टर्न ऑफ बॉडी और बढ़ जाएगा. बट आपको याद होगा कि दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज यू नो इट कैन रेज इट्स वैल्यू अप टू सर्टेन मैक्सिमम लेवल, और वो मैक्सिमम लेवल इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. यस, तो यहां से मैंने इतना वेलोसिटी दिया कि दैट वेलोसिटी इज एबल टू प्रोड्यूस दैट मच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, corresponding to which I am having force of limiting friction, मतलब maximum force of friction between the road and the wheel in radially inward direction. Yes? Now, अगर आपने इससे ज्यादा velocity किया तो centrifugal force इतना हो जाएगा और उसके response में cancel करने के लिए force of friction उतना increase नहीं कर पाएगा. तो what will be happening? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल प्रिडोमिनेट और ये गाड़ी जो होगी ये रोड से आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड स्किड कर जाएगा. द व्हीकल विल स्किड आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड. ओके, तो दिस ऑल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेफ टर्न, तो बेसिक गेम विच इज प्लेड दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. द टर्न विल रिमेन सेफ, this turn will remain safe till the centrifugal force is less than or equal to force of friction. Okay, as centrifugal force will go, you know, above, will go beyond the limiting friction, ye gaadi ka radial movement hoga aur gaadi ko skid kar padega. Matlab the turn will not remain safe. Samajh mein aaya? Okay, let's break the things in detail now. See, weight of body mg vertically down. See, mg. R1 and R2 normal reactions from tire 1 and tire 2. Normal reactions R1 and R2 normally upward from. So total normal reaction kitna banega? R1 plus R2 normally अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम. टोटल नॉर्मल रिएक्शन R1 प्लस R2 वर्टिकली अप. नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर, वेयर वी इज वेलोसिटी विद विच द व्हीकल इज मूविंग व्हेन टेकिंग द टर्न, एंड आर इज द रेडियस ऑफ टर्न. आर इज द रेडियस ऑफ टर्न. कहां है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? रेडियली आउटवर्ड parallel to horizontal. Now, in response to centrifugal force, क्या होगा? Centrifugal force इसको बाहर की तरफ skid कराने का कोशिश करेगा. जो wheels हैं, जो tires हैं, tires के बीच में force of friction आ जाएगा radially inward direction में. It's okay? तो force of friction. Now, forces of friction. क्या होंगे forces of friction? Just see from this diagram. Forces of friction, F1 radially in, F2 radially in. F1 किसके ऊपर डिपेंड करेगा? R1. Normal reaction इस contact point से मिल रहा है. तो F1 will be equal to mu times R1. ये mu क्या होगा? Mu क्या होगा? Safe turn के लिए. Safe turn के लिए mu होगा coefficient of static friction. क्योंकि जब गाड़ी skid कर जाएगी, वो safe turn नहीं होगा. तो फिर वहाँ पे kinetic friction आ जाएगा. ठीक है? तो यहाँ पे आएगा force of friction is equal to mu times normal reaction and mu will be coefficient of static friction. Force of friction from the inner pair of wheel F1 is equal to mu times normal reaction. Mu, coefficient of static friction. Because we are talking about safe turn. This is in radially inward direction. From the second wheel pair, second tire pair, okay, outer one वाला जो है,
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर टू. तो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए अब दोनों रेडियली इनवर्ट है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया. सी दोनों का डायरेक्शन सेम है, सी इन द डायग्राम, रेडियली इन, रेडियली इन. तो दोनों ऐड हो गए, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे विल बी मेकिंग. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक आर वन प्लस आर टू. दिस इज योर टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इन विच डायरेक्शन? रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन. These all forces basically will be acting on the body. जैसा आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं. Just see. Mg vertically downward, weight of the body, normal reaction from the contact point R1 and R2, total normal reaction is R1 plus R2. Centrifugal force radially outward, जिसके कारण जो vehicle होगा centrifugal force will try to skid it outward, लेकिन force of friction will protect. That will come in frame by itself. So F1 and F2 from the contact points. Inner wheel say F1, outer wheel jo combination hai, usse F2. So F1, F2, total force of friction humne reactions ki term mein likh liya. Now for the safe turn of the body. Dhyan dene wali baat hai. If this body is able to take a safe turn. Dekho. Vertical plane mein. No motion. Koi motion nahi hoga na. Safe turn jab le raha hai. तो एज देयर इज नो मोशन इन वर्टिकल, ओके, तो आर वन प्लस आर टू शुड बी इक्वल टू एम जी. आर वन प्लस आर टू शुड बी इक्वल टू एम जी, वेट ऑफ द बॉडी फॉर द सेफ टर्न ऑफ द बॉडी इन अ डायरेक्शन नॉर्मल और वर्टिकल टू द रोड. ओके, क्या उस डायरेक्शन में कोई मोशन है? आंसर इज नो, देयर इज नो मोशन. क्योंकि अगर सेफ टर्न जा रहा है तो बॉडी ऐसे जंपिंग थोड़ा करेगा बेटा. As there is no motion in that particular direction. चलो डायग्राम देखते हैं फिर. Now, if there is no motion in vertical direction, क्या होना चाहिए? Mg should be equal to R1 plus R2. It's okay? Now, along the row, in a direction parallel to road. Now, along the road. Along the road, हमारा जो turn होगा, that will be safe. कब तक? जब तक हमारे पास इतना वेलोसिटी ना आ जाए, इतना वेलोसिटी ना आ जाए कि वो वेलोसिटी उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना जनरेट कर दे कि दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एबल टू प्रिडोमिनेट ऑन फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन. जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन जो कि रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में है, उनसे कम रहेगा या फिर it will be greater than the, it will be equal to forces of friction, till then the turn will be safe. As the centrifugal force will become greater than the forces of friction, okay, the body will skid radially outward. Mean for the safe turn, the centrifugal force has to be less than or equal to forces of friction which are in radially inward direction. The turn will be safe only if the centrifugal force is less than or equal to forces of friction. Mean centrifugal force aapka kitna hai? mv square by r. This is your centrifugal force, less than or equal to forces of friction. Total force of friction क्या है बेटा? Total force of friction is F1 plus F2. Okay? तो mv square by r less than equal to F1 plus F2. मतलब radially outward force is less than equal to radially inward force. ठीक है? आप values place कर दो. Values place करके we are getting mv square by r less than equal to F1 plus F2 is coefficient of static friction R1 plus R2. mv square by r, this is less than equal to coefficient of static friction R1 plus R2. It's okay, force of friction ka value humne normal reaction ki term mein dal diya. Okay, already no, jo equation 1 humne banaya hai, fine, that says
or that gives some relation between weight and normal reaction. See that in a direction normal, mg is equal to r1 plus r2. So placing this value in this particular equation, now mv square by r less than and equal to coefficient of static friction, or r1 plus r2 is equal to mg. It's okay, m and m cancel hua, okay, and we are getting v square, okay, less than or equal to mu, coefficient of static friction, r, that is radius of turn the body is taking, and g. लेस देन एंड इक्वल टू मतलब यहां जो वेलोसिटी का स्पीड का जो वैल्यू मुझे मिल रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू फॉर द सेफ टर्न. तो अगर मैं इसको यहां पे ऐसे लिख दूं वी मैक्सिमम, ओके वी मैक्सिमम, तो यहां पे मैं इक्वल टू प्लेस कर सकता हूं या नहीं? यस, म्यू स्टैटिक आर इंटू जी. सो दिस वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द सेफ टर्न, फॉर द सेफ टर्न ऑन दैट पर्टिकुलर रोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस. यू नो अगर वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी विल बी ओके लेस देन और इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी, ये जो म्यू एस आर जी का जो प्रोडक्ट है, only then the vehicle will be able to take a safe turn. If the velocity will be greater than this particular factor, then the turn will not be safe, the body will skid away in radially outward direction. Okay, jo aapka turn hoga road se body skid kar jayega. Samajh mein aaya? Now if aapko kaha jaye ki suggest the ways to increase the maximum velocity for safe turn, aram se isko pause karke think of. Now what all ways we can adopt? See, dekho agar aapko ek bada simple example deta hu, theek hai, modern life mein hum apply bhi kar rahe hain, whatever cities we are planning and designing nowadays, okay, jo modern cities ban rahe hain, jaise like Chandigarh, we can take example, okay, we are making roundels. ओके, राउंडल्स के अराउंड ही टर्न बनता है ना. आप राउंडल्स के अराउंड ध्यान से देखो, फाइन, वहां पे ना कुछ जैसे रोड है आपका राउंडल्स के अराउंड, उस रोड के ऊपर समथिंग ब्लैक ओके इज देयर एंड वहां पे नेल्स लगाई गई हैं. व्हाट बेसिकली इज दैट एंड व्हाई दैट इज डन? देखो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आई एम टॉकिंग, ठीक है, वन इज जो नेचुरल केस बनता है हमारा कंक्रीट एंड रबर, ये केस बनता है, ओके. और अगर इसको क्या कर दिया जाए, रबर एंड रबर, मतलब जो टायर है ना, टायर का रबर है, और रोड के ऊपर भी रबर लगा दें, रोड के ऊपर भी रबर, रबर के टायर के स्ट्रिप्स कट करके, जो बेकार टायर हो जाते हैं ना, उनके स्ट्रिप्स बना के प्रॉपरली उनको एडहेसिव के साथ स्टिक किया और ऊपर से नेल्स लगा दी. दिस पर्टिकुलर थिंग इज डन इन चंडीगढ़, ओके. Whenever you are going to Chandigarh, just try to concentrate in, okay, or in some modern city if you are, you will be finding this particular way adopted. Bahut sasta aur tikau rasta hai, okay. So this coefficient of static friction concrete and road is much less in comparison to rubber and rubber. So jab much less hai, to this static value rubber and rubber is much larger. तो अगर हम रोड के ऊपर वो स्ट्रिप्स, रबर वाली स्ट्रिप्स लगा रहे हैं, then we will be able to increase this value and maximum velocity we will be able to increase. Okay, this is the first thing, increasing the coefficient of static friction. Second thing, आपको रेडियस नजर आ रहा है. सेफ टर्न के लिए व्हाट वी आर डूइंग, टेक द टर्न यूजिंग बिगर रेडियस, ठीक है, बिगर, बड़े रेडियस का टर्न लो. याद करो बचपन में जब कभी बहुत तेज स्पीड आप, बहुत स्पीड साइकिल आप चला रहे थे या एक्टिवा चला रहे थे,
एंड यू वर टेकिंग द टर्न, है ना। तो किस तरह से आप लोगों ने उस स्पीड में रोड पे आउटर लाइन पे मूव करते हुए टर्न लिया था। और अगर आपने छोटा टर्न लेने की कोशिश की होगी तो आप स्किड किए होंगे डेफिनेटली। ओके, तो इस टर्न को सेफ बनाने के लिए इन यू नो मॉडर्न सिटीज व्हाट इज डन, जो राउंडल बनाए जाते हैं ना, दीज राउंडल्स आर मेड बिग। चंडीगढ़ में बहुत बड़े बने हैं, देखो आप ध्यान से। ऐसे ही नहीं कि वो वहां पे के गार्डन बना दिया गया उसके बीच में, नो, गार्डन बनाने के लिए दैट इज नॉट डन। ओके, दैट इज टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ टर्न, क्योंकि कोई भी व्हीकल इसके अराउंड जाएगा उसी रेडियस, बिगर रेडियस का ही राउंड लेगा ना। तो इफ द रेडियस ऑफ द टर्न विल बी बिगर, फाइन, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज। जस्ट थिंक ऑफ फ्लाईओवर्स जब घूम रहे हैं तो बिगर बिग फ्लाईओवर्स आर मेड इन यू नो मॉडर्न प्लान्ड सिटीज। ओके, जो राउंडल्स बनाए गए हैं, ठीक है ना, वो बिग राउंडल्स आर मेड, दैट इज ओनली टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ टर्न। तो इफ यू आर एबल टू यू नो इंक्रीज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रेडियस ऑफ टर्न, देन वी विल बी एबल टू इंक्रीज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द सेफ टर्न। जी के ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल है नहीं, वो तो यू नो गॉड इज हैविंग दैट पर्टिकुलर कंट्रोल, ठीक है। इफ वी वॉन्ट to increase the maximum velocity for the safe turn, we have two ways only. One is increasing the coefficient of static friction between tire and road, and this is the way I told you. And other thing is by increasing the radius of turn. Radius of turn kaise karenge? Making big roundels or big flyovers, big turn, big radius turn flyover. Okay, fine. So go through this particular content. If you are finding anything difficult, then let me know. You all know this thing, साइकिल बाइक आप सबने चलाया है, तो डे टू डे आप लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस किया होगा। जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट इन द एप्लीकेशन, आप अपने ही सिचुएशन में कंसंट्रेट करने की कोशिश करना, यू विल बी यू नो अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग वेरी वेल, इट्स ओके। तो इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम लेट मी नो अबाउट, आई विल बी टेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।